हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। आई होप गाइस आपको हमारी प्रीवियस वीडियो पसंद आई हो, जिसके अंदर हमने एसएससी की वैकेंसीज़ के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइस वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके अंदर जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में बता रखा है, जिसके अंदर विदाउट एनी इंटरव्यू विदाउट एनी एग्ज़ाम डायरेक्ट जॉब मिलने के चांसेस हैं, बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। तो आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज़ देखिएगा गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिगम। लर्निंग क्या है? सीखना, उसी को कहते हैं लर्निंग। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज और डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, चाहे वो डिज़ायरेबल हो या परमानेंट हो, हमारे एक्सपीरियंसेस से और प्रैक्टिस से, उसको हम कहते हैं लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कोई चीज़, और वो आपके बिहेवियर में आ जाती है, उसको हम कहते हैं लर्निंग। जैसे कि एक बच्चे को बहुत बार मना करा जाता है कि क्लास में गर्म चीज़ें मत छुओ मत छुओ, उसको वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है और उसको टच कर लेता है, उसको मालूम पड़ता है कि नहीं, वो गर्म है, वो फीलिंग होती है, वो एक्सपीरियंस करता है, तो वो उसको चेंज कर ले उसको एक्सपीरियंस करता है और उसको लर्न कर लेता है। तो बच्चे ने ऐसे उसको एक्सपीरियंस करा तो लर्न करा, तो हुआ एक्सपीरियंस करके लर्निंग। ऐसे ही प्रैक्टिस से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैथ्स नहीं आती है या कोई और सब्जेक्ट में नहीं आता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको वो चेंज आपके अंदर बिहेवियर में जो आता है, उसको कहते हैं लर्निंग। तो गाइस ये नहीं है कि जो हर चीज़ ही लर्निंग है, जो आप एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस से सीखते हैं वो लर्निंग है। तुक्के से कुछ हो जाना लर्निंग नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ करते हैं, आप कंप्यूटर पे गेम ही खेल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर पे कोई गेम खेलना स्टार्ट किया और आपने फर्स्ट लेवल हाई स्कोर से पास कर लिया, तो वो आपका तुक्का था, क्योंकि आपने उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन आप सेकंड स्टेज पे नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार तुक्का चलता है, हर बार नहीं चलता है। लेकिन आप जब उस गेम को रोज़ खेलते हैं और धीरे धीरे आप में प्रोग्रेस होता है, तो उसको हम कहते हैं लर्निंग, क्योंकि आपने उसको रोज़ करा है, प्रैक्टिस करी है, इसलिए उसको कहेंगे लर्निंग। तो लर्निंग क्या है? जो हम एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से हमारे बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज आता है या रिलेटिवली चेंज आता है, उसको हम कहते हैं लर्निंग। लर्निंग दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनात्मक और इंग्लिश में नेगेटिव को कहते हैं ऋणात्मक अधिगम। पॉजिटिव लर्निंग क्या होती है? पॉजिटिव लर्निंग वो होती है जो जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल होता है, वो होती है पॉजिटिव लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो का जस्ट समझ में आता है कि लर्निंग क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग कितने टाइप की होती है और वो टाइप क्या क्या है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव लर्निंग हुई, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली, किसी नई चीज़ के बारे में आपको मालूम पड़ा, या फिर जो आपके डाउट्स थे आपने उनको क्लियर करा, तो ये था आपका पॉजिटिव लर्निंग। और नेगेटिव लर्निंग क्या होगा? जैसे कोई बच्चा चोरी करना सीख जाता है या फिर गाली देना सीख जाते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव लर्निंग, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो लर्निंग भी दो तरह से होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे देखते हैं अनलर्निंग। अनलर्निंग क्या होता है? अवॉइडिंग एंड स्टॉपिंग द लर्न बिहेवियर इज अनलर्निंग। यहाँ पे जो हम बिहेवियर लर्न कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारे अंदर आ चुका है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अवॉइड करना और स्टॉप करना अनलर्निंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा गाली देता है, अब्यूज़ करता है, वो लर्न कर चुका है, उसको नहीं मालूम वो अच्छा या बुरा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा होता है, उसको मालूम पड़ता है कि नहीं, गाली देना सही नहीं है, अब उसको अवॉइड करना है और रोकना है, अपनी उस गाली की आदत को ख़त्म करना है जो उसके बिहेवियर में आ चुकी है, तो उसको हम कहेंगे अनलर्निंग। तो जो एक लर्न बिहेवियर है, उसको अवॉइड करना और स्टॉप करना कहेंगे अनलर्निंग। और व्हाट इज़ नॉट लर्निंग? गाइज अनलर्निंग और नॉट लर्निंग में बहुत डिफरेंस है। अनलर्निंग मतलब जो हम लर्न करा हुआ बिहेवियर याद कर चुके हैं, जो हमें पहले से अब हमारे बिहेवियर में आ चुका है, उसको हम अपने बिहेवियर से हटाना, उसको कहेंगे अनलर्निंग। और व्हाट इज़ नॉट लर्निंग? लर्निंग किस चीज़ को नहीं कहा जाता, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इम्प्रिंटिंग इज़ नॉट लर्निंग। इम्प्रिंटिंग मतलब पदानुसरण, किसी की कॉपी करना जो होता है वो लर्निंग नहीं होता।
टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, आपने उसको कॉपी में नोट कर लिया, वो लर्निंग नहीं है। जब तक वो चीज़ आपने समझी ना हो, आपके बिहेवियर में वो आ ना गई हो, तब तक उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। तो कॉपी करना, किसी के पद पे पदारोहण पद पे चलना लर्निंग नहीं होती, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी इज़ नॉट लर्निंग। मैच्योरिटी की वजह से जो चेंज आते हैं बिहेवियर में वो लर्निंग नहीं होता, क्योंकि वो आप करो या ना करो एक्सपीरियंस किसी चीज़ को, वो आपके अंदर आने हैं चेंज, वो आपकी हेरिडिटी की वजह से है, आपके बिहेवियर की वजह से, मतलब आपके एनवायरनमेंट की वजह से नहीं है। मैच्योरिटी के बारे में लिख रखा है, मैच्योरिटी इज़ द चेंज इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर हेरिडिटी। मैच्योरिटी जो है वो चेंज होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में उसकी हेरिडिटी की वजह से। दीज चेंजेस एक्वायर एट टाइम, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सब में आएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वो उसका एनवायरनमेंट मिले या ना मिले। फॉर एग्जांपल प्यूबर्टी सबकी आनी है एक पर्टिकुलर एज में, चाहे वो एनवायरनमेंट आपको मिले या ना मिले, चाहे वो बच्चा दिल्ली में रह रहा हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, चाहे मुंबई में रह रहा हो, चाहे गाँव में रह रहा हो, चाहे सिटी में रह रहा हो, वो सबके अंदर आएगा मैच्योरिटी, तो वो लर्निंग नहीं है। तो जो हमारी बिहेवियर में चेंज आता है मैच्योरिटी की वजह से, उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। इफ़ वर्क कैन बी डन बाय एवरीवन इट इज़ मैच्योरिटी, बट इफ़ इट कैन बी डन बाय फ्यू देन इट इज़ लर्निंग। ऐसे ही जब कोई काम मैच्योरिटी की वजह से होता है तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, अगर वो सब करते हैं तो वो मैच्योरिटी हुई। लेकिन जब कुछ लोग करते हैं और उसको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करके करते हैं तो उसको लर्निंग कहेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लर्निंग इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है एक प्रोग्रेसिव चेंज है बिहेवियर में। हमारे बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ चेंज जो आता है हमारे बिहेवियर में किसी भी चीज़ में लेके। आप इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव ही आए या नेगेटिव। अब आप जो चीज़ सीख रहे हैं, चाहे आप कोई पॉजिटिव लर्निंग सीख रहे हैं या नेगेटिव लर्निंग सीख रहे हैं, उसके अंदर जो प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है उसी को कहेंगे हम लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर पॉजिटिव में देखते हैं, जब आप छोटे होते हैं आप 1 2 3 सीखते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, तो ये प्रोग्रेशन हो रहा है। तो ये पॉजिटिव में ही प्रोग्रेशन हो रहा है और ये हमारे बिहेवियर में आ रहा है। अब क्या आपको ज़रूरत पड़ती है 2+2 के लिए आपको मैथ्स कॉपी लेने की, नहीं। अब आपके वो बिहेवियर में आ चुका है, आप उसको लर्न कर चुके हों, तो वो प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर है। वहीं नेगेटिव देखा जाए तो अगर कोई चोरी करना सीख जाता है तो वो धीरे धीरे उस चोरी के अंदर भी माहिर हो जाता है, अगर उसको एक टाइम पर रियलाइज करवा दिया जाए कि नहीं चोरी करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो उसको फिर हटा भी देता है। तो दोनों में हो सकता है। फिर लर्निंग टीचेस एडजस्टमेंट। जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो हमें एडजस्टमेंट करना सिखाता है। हम बिहेवियर्स को लर्न करते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं अपने, तो उसकी वजह से एडजस्ट करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल उस बच्चे ने सीखा कि किसी गर्म चीज़ को टच नहीं करना, तो वो लाइफ लॉन्ग उसको याद रहा, तो उसको वो एडजस्टमेंट्स आ गए कि गर्म चीज़ को छूना नहीं है, पकड़ना नहीं है लाइफ लॉन्ग। चाहे वो बड़ा भी हो जाए उसके बाद भी उसको रहेगा कि ठीक है गर्म चीज़ को डायरेक्टली नहीं पकड़ना, किसी चीज़ के सपोर्ट से पकड़ लो, किसी कपड़े से पकड़ लो, तो वो उसको एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो लर्निंग हमें एडजस्टमेंट भी सिखाता है। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल इन नेचर। लर्निंग जो है एक यूनिवर्सल है नेचर में, सब करते हैं, लाइफ लॉन्ग करते हैं। आप जब पैदा होते हैं एट द टाइम ऑफ योर डेथ, तब तक आप कुछ ना कुछ लर्न करते ही रहते हैं, तो लर्निंग की कोई एज भी नहीं होती, तो ये यूनिवर्सल होता है नेचर में। लर्निंग गिव एक्सपीरियंसेस। लर्निंग हमें एक्सपीरियंसेस देता है। हम कोई चीज़ सीखते तो उसके लिए हम एक्सपीरियंस लेते हैं, और बिना एक्सपीरियंस के लर्निंग नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हैं लर्निंग इज नथिंग विदाउट एक्सपीरियंसेस। लर्निंग इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड नेवर एंडिंग। लर्निंग क्या है, कॉन्टीन्यूअस है और नेवर एंडिंग है। मैंने आपको बताया कि कॉन्टीन्यूअस है, कभी नहीं ख़त्म होती, हम लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और क्या है, लर्निंग इज़ पर्पसिव। और नेवर एंडिंग का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक चीज़ सीख ली तो उससे ज़्यादा आप सीख ही नहीं सीख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मैथ्स में आप 12th पास आउट कर चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैथ्स की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, और PhD लेवल पर होती है। PhD के बाद भी बहुत चीज़ें होती है जो हमको नहीं आती है, तो किसी भी चीज़ की एंडिंग नहीं होती, तो इसीलिए कॉन्टीन्यूअस है और नेवर एंडिंग है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है।
लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग जो है एक पर्पज़ होता है, अगर हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसका एक पर्पज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो उसका भी एक पर्पज़ है कि मैं अपना सीरेट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, यूपी टेट या कोई भी टेट क्लियर कर लूँ, या फिर अगर मैं अपना कोई साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लूँ। गोल डायरेक्टेड होता है कि मेरे को लर्निंग सीखनी है इसलिए मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, तो ये मेरा गोल है। तो लर्निंग क्या है? पर्पसिव होता है, गोल डायरेक्टिव होता है। लर्निंग इज़ एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग जो होता है वो एक्टिव और क्रिएटिव होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बस लेटा हुआ है और बैठा हुआ है और उसको सब कुछ आ जाएगा। एक्टिव होना पड़ता है, उसके लिए इधर उधर जाना होता है। पर फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा तो है नहीं आप बैठे बैठे आपने 12th पास आउट कर ली, आप स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, तो एक्टिव है, क्रिएटिव है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे क्रिएटिव होने की, तब तक वो लर्निंग भी नहीं होगी। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कुछ, तो लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है। लर्निंग ट्रांसफरेबल कैसी है? आपने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे आप, तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर। तो वो ही है कि लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है, मतलब हमारी कोई एक लर्निंग होती है जो हमें दूसरी चीज़ में हेल्प करती है। तो लर्निंग क्या होती है? ट्रांसफरेबल होती है। फॉर एग्जांपल, हमने मैथ्स सीखी, मैथ्स में काउंटिंग सीखते हैं, उस काउंटिंग को अपनी डे टू डे लाइफ में ट्रांसफर करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या है? लर्निंग ट्रांसफरेबल है। इट इज़ अ प्रोडक्ट, इट इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? हमने कोई चीज़ करी और हमें उसका रिजल्ट मिल गया, वो प्रोडक्ट है। लर्निंग कोई रिजल्ट नहीं है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो आप लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे। आपने ये सीख लिया, आपको एक रिजल्ट मिल गया, उसके बाद आप और सीखेंगे तो आपको उससे बड़ा रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता रहेगा। तो इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो हमेशा ऑन गोइंग है। लर्निंग इज पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉनेटिव। लर्निंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉनेटिव तीनों डोमेन में पॉसिबल है। आई होप गाइस आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हो कि लर्निंग क्या होता है। लर्निंग क्या है? एक रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट और डिजायरेबल चेंज इन आर बिहेवियर इज लर्निंग। लर्निंग दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनलर्निंग क्या होती है? जो हम सीख चुके होते हैं उसको अवॉइड या फिर स्टॉप करना अनलर्निंग होती है। और फिर व्हाट इज़ नॉट लर्निंग? मैच्योरिटी इज़ नॉट लर्निंग। और लर्निंग क्या है और क्या नहीं, और लर्निंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स है? आई होप आपको ये सब समझ में आ गए हो। और गाइस, कोई भी कन्फ्यूजन तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, शेयर टू ऑल एंड स्टे ट्यून।